के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। छह पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का स्वीकारा, चारों गतियों की टक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। छत विक्षित विपदा पल जग के अक्षय पद का आधार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर फुजुल अक्षत स्वीकार करो। ब्रह्माचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेषां अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतान निरोपामि स्वाहा। मोहि पर मोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी, पंचेन्द्रिय भोग विषय विषम चिंतन धारा उपमा धारी। जो विविध विषम विषय आशा है उस आशा का परिहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मृदु पुष्प पुंज स्वीकार करो। ब्रह्माचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेषां कामण भंसनाय दिव्य पुष्पम निरोपामी स्वाहा। शीत उष्ण वर्षा ऋतु में ब्राह्मण तप तप देते हैं, जब भोग विषय में व्यक्ति जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो छुदा तृषा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर वेद सरस स्वीकार करो। ब्रह्माचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामंद्राय सर्वेषां छुदारूप नाशनाय दिव्य नैवेद्यम निरोपामी स्वाहा। मन में अंतर ज्योति जगे रत्नात्रय शोभा पाता है, जिनका यश है जग में जगमग सत ग्यारह भी शर्माता है। सर्वांग प्रदेश चमकाए जाए वह ज्योति प्रकट किस बार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम ब्रह्माचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेषां महामोहंधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरोपामी। जो अशुभ है तिगर मास्टर चरचर में छय करने वाली, बलवान नृपति जब बस में हो कब सेना से डरने वाली। ज्ञानावरणादिक कर्मों की सेना पर वज प्रहार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग दूरी स्वीकार करो। ब्रह्माचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेषां दुष्ट कर्म दाना दिव्य धूपम निरोपामी विधि पूर्वक द्वादश तप तपने उपसर्ग परिचय सहते हो, और संतति का अंतिम कल हो अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार यही अभिव्यक्त करो भव संतति का यह भार हरो, आचार्य समय सागर गुरुवर तट ऋतु के बल स्वीकार करो। ब्रह्माचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेषां महामोक्षल प्राप्त दिव्य फलम निरोपामी स्वाहा। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ, साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। जिनकी चर्या में चर्चा में सिर मूलाचार समाता है, सिर सांची वीर शिव ज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है। जय वंते रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर जय अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ब्रह्माचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्त दिव्य अर्घम निरोपामी स्वाहा। श्री विद्या सागर गुरुवर ने जब गुरु पद भार उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरु पद स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान, गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ब्रह्माचार्य भगवंत गुरुदेव समय सागर जी महामनिंद्राय सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पुनर्घम निरोपामी। गुरु पद पर आसी गुरु आज्ञानुसार, सूरी सवई सागर तुने वंदन बारंबार,
वंदन बारंबार। श्री पुष्पांजलि मंचपे आचार्य भगवंत श्री समय सागर महामुनिराज जी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक्ष मसीह समय योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षमता सागर जी, पूज्य संभव सागर जी आदि तीन कमनो कोटि महामुनिराजों की जय। परम पूज्य अब वैमंगल में अवसर है जब पूज्य मुनि श्री जी के करकणों में सात समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। समय की सीमाएं हैं। मैं दिगंबर स्थित कुंडलपुर जी के मंत्री भाई संजय जी पथरिया वालों को आमंत्रित करूंगा भी आए और सात समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य यहाँ पर अर्जित करें। अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता निःशुल्क ऑनलाइन वेबसाइट विद्यासागर.गुरु में आयोजित है। 1 से 5 जून तक स्वाध्याय का लाभ ले पाए इनाम। आप सभी से निवेदन है आप इस अपनी प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य का अर्जन करें। 1 से 5 जून मूक माटी अंतर्राष्ट्रीय मूक माटी निःशुल्क ऑनलाइन वेबसाइट विद्यासागर.com में आयोजित प्रतियोगिता में आप अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य का अर्जन करें। हम सब अपने करकमलों को जोड़ेंगे अपनी ओर से। आप सबकी ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य समूह सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम सभी भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरी सर पर रख दू गुरुवर अपने दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। आचार्य श्री जी के चरणों में झुका रहा अपना माता, उनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के हिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य अक्षर गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्रोतर समोषि द्यावाणम जय हो जय हो जय हो। ओम रूम परम पूज्य अक्षर गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र ठाठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। ओम रूम परम पूज्य अक्षर गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्नियतो भव भव विशेषणधिकरणम परिपुष्पांजलि छिवे। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को घर माया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष दोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम परम पूज्य अक्षर गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र जन्म जरा मेति विनस ने जलम रूपा मिदेश रोहि अनिल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, तुझ शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य अक्षर गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र संसारता विनस्ने चंदनम रोपामिदेश्वाहा। जड़ को नामे ने जड़ सब जाने अक्षय निज को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ओम परम पूज्य अक्षर गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम रोपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, दक्षिणा को तृप्त करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुम मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य अक्षर गुरु विद्यासागर जी मुनीन्द्र कंपन विध्वंस नाय पुष्पम रूपामिदेश
इस क्षुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भगी फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूं परम पूज्य स्वाठाचार गुरु विद्यास गुरु जी मुनिन्द्र छदारुग विनस ने निवेद्यम नृपामिति मोहाधिकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा जहाँ तेरा बस पछताना। यह रीत समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बातिश मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूं परम पूज्य स्वाठाचार्य गुरु विद्यास गुरु जी मुनिन्द्र महामोहन कर विनिश्चय दीपम नृपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सवरे पुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, धनी विजेता वन नशकिल यह भावी दे में लाया हूँ। ओम ब्रह्म शताष्ट आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशागर महामनिंद्राय सर्वेशाम दुष्ट अष्ट कर्म देनाय मोहन कार विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्त है दिव्य दीपम निरोपामि। भोगों को इतना भूगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूं शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशागर महामनिंद्राय सर्वेषां अष्ट कर्म देनाय महामोक्षल प्राप्ताय दिव्य फलम निरोपामि। स्वाहा। नाता जोड़ लिया तुमसे नाता जोड़ लिया इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से नाता जोड़ लिया। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पुरुष क्या नाता है, ऐसे अनर्ग पद पा जाऊं अरुण भावना भाता है। अरे जिनके जीवन का हर पन्ना शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशागर महामनिंद्राय सर्वेषां अनर्घपद प्राप्त दिव्य अर्घम निरोपामि। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, तन मन का के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, जग के वैभव को निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो अर्ग बैठने लाया हूँ। हे तुप मूर्ति है आराधक है योगी सर है महासंत, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूं शताष्टाचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशागर महामनिंद्राय सर्वेषां अनर्घपद प्राप्ताय जयमाला पुनर्घम निरोपामि। स्वाहा। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्याशागर महामनिराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर महामनिराज की। हेलो बोले आचार्य श्री गुरु समय सागर जी महामनिराज की। गुरु की पद दिया गुरु पर प्राप्त नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह अति
मार्ग दृष्ट सन्निधिकरण श्रद्धा सुमन प्रदान। ओम रोमाचार्य से समय सागर जी मुनिन्द्र अत्र अवतर अवतर संभूषितावाननम। जय हो जय हो जय हो। ओम रोमाचार्य से समय सागर जी मुनिन्द्र अत्र श्रेष्ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रोमाचार्य से समय सागर जी मुनिन्द्र अत्र मम सन्नीतो भववस सन्निधिकरणम। जय हो जय हो जय हो। श्री विद्या सागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया, इस युग में योग नियम प्रवचन पाण्डु गति की जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जल धारा सिद्धे भ्यः ओम नमः। सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः एवं पढ़मि सिद्धे जिन बलवसे पुनः पुनः समणे पड़िवज्जदु सामन्नम जदि इच्छति दुख पड़े मोक्षम। जय बोलो कुंडल पुड़े के बड़े बाबा की। जय बोलो असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्या सागर महामुनिराज की। जय बोलो अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की। जय पूज्य निर्यापक श्रवण पूज संभव सागर जी महाराज की। जय मुनि संघ की। जय आरिका संघ की। जय। वैसे कुछ दिन पूर्व अप्रैल की 22 तारीख को दिनांक से गुरुदेव के माध्यम से कर कमलों से हम लोगों को मुनि दीक्षा प्रदान हुई थी 23 मुनि राजों को। और वैसे भी यह जो मास चल रहा है कौन सा है, वैसाख मास है, तो इसी वैसाख मास में हम सबको श्रमण दीक्षा प्राप्त हुई थी। अब चूंकि आचार्य महाराज ने अचानक ही बुलाया, पूछा आपने बुलाया, हाँ कहने लगे पहले से कोई ध्यान नहीं था, कल बहुत व्यस्त थे, आपको थोड़ा उद्बोधन देना है। तो आज्ञा अनुलंघनी होती है, तो हमने कहा जैसा आप कहें। आचार्य कुंड कुंड महाराज की इस गाथा से हम अपनी बात को आगे ले चलते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंड कुंड महाराज कहते हैं, चारित्र चूलिका प्रवचन सार का एक जो अध्याय है उसमें कहते हैं, यदि तुम हे भव्य पाणी तुम दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो पड़िवज्जदु सामान्यम, सामान्य को प्राप्त हो, उस सामान्य की अनुपम अनूठी कथन है जो आचार्य कुंद कुंद ने एक नई 84 बाहुड़ों में उसका वर्णन बहुत ही सूक्ष्म ढंग से किया है। जब भगवान महावीर के निर्वाण के 600 से अधिक वर्ष गुजर गए और जब तक आचार्य कुंड कुंड का पदार्पण होता है तब तक इस जिन शासन और श्रमण परंपरा में थोड़ी बहुत शिथिलता गोचर होने लगी थी, तो शिथिलता को दूर करने के लिए ही जैसे आचार्य कुंड कुंड देव का पदार्पण होता है और आचार्य कुंड कुंड देव ने अपनी अध्यात्म की सरिता के माध्यम से
श्रवण संस्कृति में आई एक एक खोट को बहुत अच्छे से दूर किया और उन्होंने हम श्रवणों को समझाया कि श्रवण कैसा होता है और सामान्यता कैसी होती है। सामान्यम शब्द ही बता रहा है, यहाँ मात्र द्रव्य से मुनिपना अंगीकार नहीं किया है, भाव से भी मुनि की ओ वह ले जाते हैं। तो ऐसे कुंद कुंद महाराज को स्मरण करते हुए हम अपनी बात आगे बताते हैं। मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में गुरुदेव ने तो साक्षात मुझे दीक्षा प्रदान ही की, पर यदि पीछे से यदि कोई यहाँ तक पहुँचाने में जिसका सर्वश्रेष्ठ योगदान है तो वह हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और अभिनव आचार्य समय सागर जी का है। हम कह सकते हैं कि वह ही हमें उंगली पकड़ करके आचार्य महाराज के समीप तक ले गए। वह कभी ले के नहीं गए हमें उनके सामने, पर वहां तक भेजने के लिए उन्होंने यहां से नहीं पनागर से ही कितनी बार प्रेरित किया होगा उसकी मैं संख्या भी बखान नहीं कर सकता। इतनी बार वहां तक उन्हें पहुंचाने के लिए हमें बहुत प्रेरणा दी। जब भी हम संघ में आते थे तो गुरुदेव के पास तो जितना समय मिलता था वह भी बहुत हिम्मत करके बहुत लाइन में खड़े होकर वहां तक पहुंच पाते थे, और जब समय आया तो अपनी बात बहुत टूटे फूटे शब्दों में रख पाते थे। आचार्य जी भी समझते थे कि वह जो बालक है अपनी भाषा टूटी फूटी भाषा में जो भी बात रख रहा है वह उसके अंदर के उद्गार हैं, वह समझ लेते थे। और बाकी दिन के पूरा समय बड़े महाराज के पास ही बीता था। वह भी ही बहुत अच्छे से इस मार्ग में कैसे चलना है कैसे क्या करना है आदि प्रेरणा प्रदान कर देते। और लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, कि आचार्य जी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ बता देते थे, आपको आचार्य जी से डर नहीं लगता था। बहुत लोग पूछते हैं, यहाँ सब संघ के ही सदस्य हैं, अपन वही चर्चा कर देते हैं घर का जैसा माहौल है। तो मैं बता दूं, शुरुआती दिन में तो मुझे गुरुदेव से बहुत डर लगता था, उनके पास भी जाने में सोचना पड़ता था। जब नेमावर में सन 97 में चतुर्मास चल रहा था और उस चतुर्मास के दौरान षटखंडाम ग्रंथ की वाचना प्रारंभ होती है, धवला चौथी पुस्तक की वाचना गुरुदेव अपने संघ के लिए प्रारंभ करते हैं। संघ के सभी साधु पहुंच जाते हैं, उनके साथ हम लोग सब ब्रह्मचारी भी पहुंच जाते हैं। उस समय हमारे ज्येष्ठ महाराज पवित्र सागर जी उस भी उस समय संघ में विराजमान थे सन 97 में। तो आचार्य जी कहते हैं, जिनकी आरंभ और परिग्रह का त्याग है वही इस वाचना में बैठ सकता है। तो हम सब ब्रह्मचारी ने सोचा कि हम लोग ने आरंभ सारंभ सब छूट गया है, घर छूट गया तो परिग्रह का भी त्याग है। तब बड़े महाराज
जो अब आचार्य महाराज हैं उन्होंने समझाया अच्छी का भाव है कि दस प्रतिमा धारी ही इस स्वाध्याय वचना में बैठ सकता है। उस समय एक साथ हम छह ब्रह्मचारियों ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन रखा, किसी की दो प्रतिमा थी, किसी की तीन, किसी की पांच, मेरी उस समय दो ही प्रतिमा थी। निवेदन रखा, गुरुदेव हम लोग अभी इसी समय दसवीं प्रतिमा के व्रत धारण करना चाहते हैं। आचार्य जी ने तुरंत वहीं से आशीर्वाद प्रदान किया और उस आशीष का फल है कि जब से चारित्र के क्षेत्र में कदम उठाए तो वह कदम गुरुदेव के आशीष से बढ़ते ही रहे, कभी पूछे मोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और उन्होंने ही वह षटखंडागम ग्रंथ पढ़ने का जो आशीर्वाद प्रदान किया उसी का प्रतिफल है। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी आपने घर में भी बहुत पढ़ के आए होंगे। थोड़ा बहुत पढ़ा है पर इतना भी नहीं पढ़ा कि सीधे आचार्य जी से हम कोई तत्व चर्चा कर लें लगे। वह तो उन्हीं की आशीर्वाद का प्रतिश्रुति है, फलश्रुति है। जब धवला की पुस्तक की वाचना प्रारंभ हो ही गई, अब जिसको जैन धर्म की शुरुआत से पढ़ना हो और वह धवला मतलब काखा का पढ़ना हो और वह धवला पुस्तक पढ़ने लगे तो सोचो उस विद्यार्थी की क्या स्थिति होगी। पर गुरुदेव का आशीर्वाद है, अपन को अब चिंता नहीं करना। तो कैसे पढ़ते थे आचार्य जो आज पढ़ाने वाले हैं, मान लो वह 100 पृष्ठ से 110 पृष्ठ तक 10 पेज आज बचना होगी तो हम लोग पहले से ही 10 पेज बहुत अच्छे से पढ़ के जाते थे। ऊपर की नीचे प्राकृत भाषा से पूरा वाचन करके और नीचे पूरी हिंदी पढ़ के सब विषय को पूर्वा पर लगा के कहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है वह सब पढ़ के जाते थे। क्योंकि आचार्य जी तो बहुत गति से पढ़ा देंगे, उस समय यदि कोई चीज समझ में नहीं आई तो फिर विषय समझ में नहीं जाएगा। ऐसा जब पढ़ के जाते थे और वहां बैठते थे, कई जिज्ञासाएं होती थी, उन जिज्ञासाओं पर पहले से ही अपने कक्ष से ही प्रश्न चिन्ह बना के जाते थे कि यहां पर यह बात पूछनी है। पर गुरुदेव के सामने मुख से कुछ बोलने के पहले ही यहाँ पूछना है, हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती थी, हृदय की गति की मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। ऐसा एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं, दसों बार, बीसों बार, पच्चीसों बार हुआ। कुछ पूछना भी चाहते हैं, जिज्ञासा भी अंदर है, जानने की इच्छा भी है, विषय समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम अपनी बात गुरुदेव के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं। यह कब तक चलेगा यही उधेड़बुन थी। पर गुरुदेव का ऐसा आशीष था कि एक ना एक दिन तो हिम्मत आएगी। और एक दिन ऐसे ही हुआ, बहुत हिम्मत जुटा के कुछ शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के सामने रखी और गुरुदेव ने भी बहुत वात्सल्य देते हुए उसको पूरा सुना और बहुत मुस्काते हुए बहुत ही वात्सल्य से कहा, अच्छा छुल्लक जी कुछ पूछना चाहते हैं। और उन्होंने पूरा समाधान दिया। उनके उसी वात्सल्य की फलश्रुति है कि जैसे जैसे वह वात्सल्य देते गए वैसे वैसे हम लोग उनसे खुलते गए। फिर तो कभी भी
कैसे भी कुछ भी उनके कक्ष में पहुंच जाओ, पूछ लो, कोई डर नहीं रहा। तो गुरुदेव ने विगत 25 वर्षों में इतना कुछ दिया है कि मेरा मन तो पूर्णता है, तप्त है कि अब और किसी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। संयमी इस जीवन के साथ किसी भी सुदूर प्रांत में कहीं भी आराम से अपने साधर्मी जन के साथ रहे आओ और उन गुरुदेव की स्मृतियों को तरोजा ताजा करते हुए संयम के उन निर्देशों को स्मृति में लाते हुए इस अपने संयमी जीवन को बिताते रहो। जैसा कि गुरुदेव को का हाइको है, वह कहते हैं दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, सो जैसी योग्यता। गुरुदेव यही का प्रसंग है। 30 जून सन 2007 की बात है। अच्छा जी, कमुनि दीक्षा दिवस होता है 30 जून। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह ही गुरुदेव के पास निवेदन कर रहे हैं, आज दीक्षा दिवस है आपका, इतने वर्ष हो गए, हम लोग कुछ आयोजन करना चाहते हैं आदि आदि। वह कहते जा रहे, गुरुदेव उनकी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वह तो अपने आप में मगन हैं आदि आदि। 30 जून से 7 तक 40वां दीक्षा दिवस था वह। अब उनके निवेदन के बाद हम धीरे से बोलते हैं, आचार्य जी आपके उन्हें दीक्षा लिए 39 वर्ष पूर्ण हो गए, आज 40वां दीक्षा दिवस है। तो गुरुदेव के मुख से जो बात निकलती है वह प्रत्येक साधक को ध्यान रखने योग्य है। वह कहते हैं मैं कहां इतने वर्ष तक मुनि रह पाया, मतलब उनका वह कथन का अर्थ था बीच में मैं आचार्य बन गया, पूरे सबको, संघ को, समाज को, सबको समय देना होता है, संभालना होता है, सब कुछ करना होता है। वह अपने अंतरंग की पीड़ा थी उनकी कि मैं कहां अपने आत्मानुभूति में पूरा समय दे पाया, अपनी आत्मा में डूब पाया। हमने कहा गुरुदेव आपकी तो दृष्टि हमेशा सफल कल्याण की रहती है, और आप नहीं होते तो इस समण संस्कृति की जो यह धार, यह प्रवाह, यह पाठ इतना विस्तृत हो गया वह नहीं हो पाता। आप तो जब आत्मा में ही डूबे रहते हैं, जब सुदुपयोग से बाहर आते हैं, तभी आपको ध्यान आता है कि इन संसारी भटकती आत्माओं का कल्याण कैसे हो। तो इतने उच्च भाव उनके हमेशा विद्यमान रहते थे। वह इतने श्रेष्ठ साधक थे कि हमेशा अपने आप में रहे आते थे, और उनसे हमें जितना कुछ मिला है उसको, वह इतना कुछ है कि उसके माध्यम से ही अपने इस भाव में नहीं, अनेक भाव में हम अपने रास्तों को, इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए उनके ही पाद मूल में जब वह समोषण में विराजमान होंगे तो उनके ही पाद मूल में
पुनः मुनि दीक्षित होते हुए उनका ही अनुसरण करते हुए हम इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो वह मात्र जैनों के नहीं संत थे, जन जन के संत थे। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। एक संस्मरण और गुरुदेव का सुनाकर हम अपनी पूरी बात को विराम देते हैं। बात मुक्तागिर की थी, जब आचार्य जी ने अभय सागर जी मुनिराज से लेकर चंद्र सागर मुनिराज तक नौ मुनिराजों को सन 98 में मुनि दीक्षा प्रदान की, और मुनि दीक्षा के बाद मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र से वह निकल पड़े। मुक्तागिर के आसपास पूरी आदिवासी बहुल वह बेल्ट है, वहां से जैन समाज तो नगण्य ही है। वहां से जब बिहार होता है तो बिहार के उस दृश्य का हम वर्णन कर रहे हैं। हम लोग मुनि संघ पूरा चला जा रहा है। सबसे पहले आचार्य भगवान हैं, उसके बाद मुनि संघ है, उसके बाद जो हम दो तीन छुल्लक महाराज हैं वह हैं। 24-25 मुनिराज थे, हम लोग दो तीन एलक छुल्लक थे और सावक नगण्य ही थे। दोनों ओर सड़क के दोनों ओर आदिवासियों की पंक्ति उस नागा बाबा के दिगंबर आचार्य के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। उनके घर के सामने चौक पड़े हुए हैं रंगोली से। बीच में एक कलश है, कलश में गेहूं के अनाज भरा हुआ है। उस पर एक प्लेट है, वो प्लेट पर दीपक सजा हुआ है। बिल्कुल जैसे अभय अपनी भाषा में अपनी पद्धति से उस महान गुरुदेव की, उनके लिए तो वह साक्षात भगवान थे, उनकी पूजन कर रहे हो तो वह उन पद्धति में पूजन कर रहे हैं। और अपने जैसे ही आंगन से गुजरते हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा वह सैकड़ों हजारों आदिवासियों की कतारें बिल्कुल अनुशासित रूप से वहां खड़ी हुई हैं, और उनके बीच से आचार्य संघ चला जा रहा है। क्योंकि उस समय मैं छल्लक था, मुनि था नहीं, तो मैं बिल्कुल आखिरी में चल रहा था। मुझे दो आदिवासियों की आपस की बातचीत मेरे कर्ण तक आई, उसको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि किसी दृश्य को देखकर यदि किसी की प्रतिक्रिया होती है, वह भी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर भट्टालक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह दूसरे से कहता है, जे तू आगे चल रहे हैं ना नागा बाबा, वो इनके गुरुदेव हैं। आदिवासी कुछ नहीं जानता, पर उस दृश्य से बस क्या फलित अर्थ निकाल रहा है, वह कहते हैं वो इनके गुरु हैं। और जो जो पीछे चल रहे हैं नागा बाबा, वो इनके शिष्य हैं। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और जो जो पीछे चल रहे हैं, जो जो लंगवीटी वाले, वह भी इनके शिष्य हैं। वह अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास कर रहे हैं। जिस दिन यह अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, इनके गुरुदेव इन्हें भी वैसा बना देंगे। सोच लो, वह आदिवासी कोई जैनागम नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतने दृश्य से इतना अर्थ निकाल रहा है। धन्य है वह वीतराग मुद्रा, धन्य है वह गुरुदेव की मुद्रा कि एक आदिवासी भी उस दृश्य से इतना कुछ निकाल पाला है। जय बोलो आचार्य विद्या सागर महामुनिराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम वंदे मानस मास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।